तेजस्वी यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान, दिल्ली से भ्रष्टाचारियों के सरदार आ रहे हैं पर प्रतिक्रिया दी, बोले इनकी भाषा नफरत की भाषा है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। तो यहीं सीएम नीतीश द्वारा मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान पर भी तेजस्वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी के द्वारा राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों का सरदार कहने और यह कहने कि कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटा है, तेजस्वी ने कहा इनकी भाषा नफरत की भाषा है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। वैसे ये लोग लड़ नहीं रहे हैं, ये हार की भाषा है, बौखलाहट की भाषा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बोला है। तेजस्वी ने कहा 14 आने वाले 24 में जाएंगे, इस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ दे रहे हैं, ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन। अब छोड़िए, अब इन पे क्या बोला जाए, क्या कुछ चलता है? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सीएम बनना देखना चाहते हैं, कह रहे हैं सब आए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम बना हुआ देखना चाहते हैं, कहे एक सवाल है। बादशाह छोड़ने वाला है, 14 वाले 24 में जाएंगे, उसी एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री